हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम क्लिनिक प्लस शैम्पू के बारे में बात करने वाले हैं कि इसको यूज़ करना आपके बालों के लिए ठीक है या फिर नहीं। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करने से आपके जो बाल है वो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपके बाल डैमेज तो नहीं होंगे, या फिर इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप देख सकते हो कितने सारे क्लिनिक प्लस शैम्पू है मेरे पास, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बता दूँ इसका नाम क्लिनिक प्लस है एंड ये मैंने सैशे ले रखा है यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हो। इसका प्राइस 1 रुपये का होता है। इसके बॉटल्स भी आते हैं जिनके अलग अलग क्वांटिटीज़ होती है, उनके अलग अलग प्राइस होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपके साथ इस सैशे का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि इसके और भी वेरियंट्स आते हैं, जैसे कि एग प्रोटीन वाला भी आता है। बट यहाँ पर मैं मिल्क प्रोटीन का रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि कई सारे लोग एग प्रोटीन वाला शैम्पू नहीं यूज़ करते ये सोच के कि उसके अंदर अंडर डला होगा। तो कोई बात नहीं, हम मिल्क प्रोटीन वाले का ही रिव्यू आज करेंगे। जो क्लिनिक प्लस शैम्पू है काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है एंड मैंने भी इसको यूज़ किया है। मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हुआ है आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ एंड इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो आप जैसे नॉर्मली शैम्पू करते हो उसी तरीके से इसको शैम्पू करना होता है, ऑयलिंग करना होता है, फिर शैम्पू करना होता है। अगर इसके लेदर की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे खासे क्वान्टिटी में इसमें लेदर क्रिएट होता है एंड आपके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अब इसको यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ करोगे तो आपके बालों को कोई डैमेज तो नहीं होगा? तो मैं बता देती हूँ, जी नहीं, आपके बालों को ये कोई भी डैमेज नहीं करने वाला है, कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। हाँ, इसके अंदर थोड़े से ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही नेचुरल है, हर्बल है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। इसके अंदर केमिकल्स हैं बट ये आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से सूट कर लेता है एंड आपके बालों को कोई भी डैमेज नहीं होता। आज मैंने इसी से अपने बालों को वॉश किया है एंड आप देख सकते हो मेरे बालों में किस तरीके का फ़र्क आया है एंड मेरे बाल कैसे लग रहे। तो आप खुद जज कर सकते हो कि ये शैम्पू हमारे बालों में किस हद तक शाइन देता है, किस हद तक हमारे बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है। आप इसको जब यूज़ करोगे तो आपके हेयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से लेदर क्रिएट होगा एंड जितने भी आपने ऑयलिंग की होगी या फिर आपके बालों में जितना भी डर्ट एंड पॉल्यूशन होगा वो सारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है अगर आपके बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं। तो अगर आप सैशे यूज़ करते हो, जो पाउच वाला आता है 1 रुपये का पुड़िया, वो आपके बाल में 2 लग सकते हैं एंड अगर आप जब बॉटल वाला यूज़ करते हो तो अपने क्वान्टिटी अपने हेयर के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि एग प्रोटीन वाला भी मैं बताऊं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एंड एक बात मैं आपको और बता दूं, ये किसी भी तरीके का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एड वीडियो नहीं है, मुझे कोई भी पैसे नहीं मिल रहे इसका एडवर्टाइजमेंट करने के। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये शैम्पू कैसा है। अगर आप चाहें तो इस शैम्पू को गो फॉर इट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके बालों को कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा। जी हाँ, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको डेली अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है। आप कितना भी नेचुरल शैम्पू यूज़ कर ले एंड आप रोज़ अपने बालों को धोओगे तो वैसे भी वो डैमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको क्लिनिक प्लस शैम्पू के बारे में कोई डाउट है और कुछ भी तो आप कमेंट करके बताना, मैं फिर से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो को कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बाय गाइस।